नीट परीक्षा मुद्दे केरल ना राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शुं कही रहा छे जो वीडियो। तमिलनाडु के सीएम ने भी कहा है नीट परीक्षा को लेकर कि ऐसा घोटाला नहीं होना चाहिए, खासकर विद्या केवल एक ऐसा धन है जिसको नहीं बांटा जा सकता। क्या कहना है सर? नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर ने जो कहा है मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा है, न मुझे उस पर कमेंट करने की जरूरत है। लेकिन विद्या जो आप कह रहे हैं कि विद्या, पता नहीं मैंने इस थोड़ा सा बगैर तैयारी के था तो मैंने कहा या नहीं कहा, हिंदुस्तान की संस्कृति को नॉलेज सिविलाइजेशन ही कहा जाता था। अगर आज भी आप जब कहते हो कि हम भारत दुनिया में ताकतवर देश बन के हम उभरना चाहते हैं 2047 तक, तो हमारी मुख्य जो महत्वाकांक्षा है वो क्या है? हमारी महत्वाकांक्षा ये नहीं है कि हम बड़ी भारी सैन्य शक्ति बन जाएं, हमारी महत्वाकांक्षा है विश्व गुरु बन जाएं, नॉलेज डेस्टिनेशन बन जाएं। हमारे यहाँ कहा गया, आज नहीं कहा गया, हजारों साल पहले कहा गया, एतद् देशा परशु तस्या सकाशाद अग्र जन्मना स्वम सम चरित्रम शिक्षेरण पृथ्वीम सर्वमानव। हमारे मनीषियों ने कल्पना करी कि भारत विज्ञान और विज्ञान का ऐसा केंद्र होगा जहाँ दुनिया से लोग चल के आएंगे और अपनी अपनी संस्कृतियों के बारे में भी आके भारत में शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो कोई इससे असहमति हो ही नहीं सकती, और अगर कोई गलत हुआ है कुछ तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसको ना सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे बल्कि उसको सुधारने का काम करेंगे ताकि भविष्य में ऐसा कुछ भी ना हो सके। सर, एक और मेरा क्वेश्चन था, जिस तरीके से अभी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, खासकर जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले हो रहे हैं, और अभी आपने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सब संपन्न है, इस पर क्या कहना है सर? जो आतंकवादी गतिविधियाँ, हम आतंकवादी पता नहीं कि मुझे उस पर आप बता रहे हैं, मुझे तो मैं मानता हूँ, लेकिन हम तो पिछले आज कितना 80 से आतंकवाद का शिकार हैं हम, तो उसका जो 80 से आतंकवाद का शिकार है भारत, तो उसका तो एक ही तरीका है, और वो ये कि हमें इस पोजीशन में होना चाहिए कि जहां हम इन खतरों से बहुत बहुत ही प्रभावी ढंग से निपट सकें और निपट रहे हैं। लेकिन फिर भी ये दुर्घटनाएं हैं जो कभी भी मतलब जो हो जाती हैं, मगर हमारी तैयारी में मुझे लगता है कि तो सारे तमाम लोगों ने, हमारी सेना ने, हमारे पुलिस के लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, तो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ऐसे लोगों को लगता है कि अब उनका उनके लिए बहुत स्कोप नहीं रहा है तो वो बिल्कुल एक डेयर डेविल का काम करते हैं, तो मुझे वही लग रहा है कि अब ये बहुत लंबा नहीं चल सकता। एक बार जैसे अभी सर पुनः दोबारा आतंकवाद चालू हो गया है, अभी अयोध्या के मंदिर को भी लश्कर ए तैयबा ने उड़ाने की धमकी दी है, ये ऐसी धमकियों को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं देनी चाहिए।